वैसे अगर देखा जाए तो आम तौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि योग केवल वजन घटाने के लिए या फिर हेल्दी या फिट रहने के लिए एक माध्यम है, लेकिन सच ये नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, और योग जोड़ता है मन को शरीर से, शरीर को आत्मा से, खुद को खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ना यही जो मतलब जब हम योग की बात करते हैं, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे मन से, हमारे कहते हैं ना हमारे दिल से, मन को, आत्मा को, सबको जोड़ कर रखती है। बिल्कुल नवमी, अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, तुमने कभी ये जुड़ाव अपने अंदर महसूस किया है, योग हो या संगीत हो या कुछ और, जिसने तुम्हें खुद से खुद को जोड़ा हो? हाँ, मतलब देखो सत्या, जो आपने सवाल पूछा है एक्चुअली इस पर तो हम घंटों बातें कर सकते हैं। ऐसी कई सारी मेमोरीज, कई सारी चीज़ें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं मेरे मन में हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो एक बहुत ही स्पेशल बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं जम्मू में रहती थी, बहुत छोटी थी, तो मेरे घर के पास ना एक छोटा सा पॉन्ड या जिसे हम तालाब कहते हैं वो था। सो वी यूज टू गो देयर एंड प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, सारे बच्चे। इनफैक्ट सिर्फ बचपन में ही नहीं, जब हम 11, 12 स्टैंडर्ड में भी आ गए थे तो वी यूज टू गो देयर एंड सिट फॉर आवर्स। लेकिन ये जो ये खूबसूरत सा चिलिंग स्पॉट हम सभी के लिए था, ये कब एक डंप यार्ड बन गया हमें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट नवमी, आप सही कह रही हैं, केवल वही तालाब नहीं, एक स्टडी कहती है कि भारत के कम 30% वेटलैंड्स ऐसे हैं जो अब गायब हो चुके हैं। बिल्कुल, एंड दिस इज रियली सैड। एब्सोल्युटली। लेकिन जहाँ जज्बा हो, जहाँ विल पावर हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। आज आपको अपने शो पे हम आपसे मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि तालाबों की जो गति है, तालाबों की जो रूपरेखा है, उसको बदलना है। मिलवाते हैं आपको अपने पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया से। रामवीर जी, आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तालाबों के रेस्टोरेशन के लिए, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जल चौपाल के रूप में जब आपने इसकी शुरुआत की, तो जल चौपाल की जो परिकल्पना की आपने, वो किस तरह से किया? क्या आपने ऐसा देखा कि आपको ऐसा लगा कि जल चौपाल जो है वो समय की ज़रूरत है? जल चौपाल, हम शब्द पे जाते हैं तो जल चौपाल का मतलब है वाटर मीटिंग। एक ऐसी चौपाल गांव में जो लगी या लगती है जिसमें पानी और पानी के संबंध में जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और गांव में अभी 3-4 ही मुद्दे हैं। गांव में जो पानी का स्रोत थे कभी, तालाब, पोखर, जोहड़, वो जिस तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारी आदतें खराब हो गई है ना, हमें एक गिलास पानी की ज़रूरत होती है तो सीधा हम समर सर्विल पंप चला देते हैं, उससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। गांव के स्तर पर जो डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखी थी, उसी का नाम है जल चौपाल। और ये समय की ज़रूरत है क्योंकि चाहे वो नीति आयोग के रिकॉर्ड्स हों, रिपोर्ट्स हों, चाहे वो आम जो एनजीओज या आईआईटीज रिसर्च कर रही हैं, तो भारत में वाटर क्राइसिस की स्थिति होने वाली है, उसको देखते हुए इसकी शुरुआत। लेकिन रामवीर जी, जानते हैं इसके विषय में सभी हैं, लेकिन वो जो चेतना होती है ना, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर जब आपने भी जल चौपाल की शुरुआत की होगी तो पहले जल चौपाल में लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना कि आप आइए, क्यों आपके लिए इतना ज़रूरी है, वो बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन आपने शुरुआत भी की और लोग आपके साथ जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कैसे हो पाया, कैसे आपने कन्विंस किया? पहली जल चौपाल में तो मेरे ट्यूशन के बच्चे ही थे सिर्फ। अच्छा। क्योंकि उस समय पर मैं ट्यूशन देता था बच्चों को, तो वही 40-50 बच्चे तो खुद के ट्यूशन के थे, जिनका तो मैं गुरुजी था, तो वो तो मेरे कहने से आते ही है ना। बाकी मैंने सभी से रिक्वेस्ट भी किया था कि अपने भाई को, बहन को, पेरेंट्स को, जिसको भी वो बुला के ला सकते हैं, ताकि हम कम से कम इस मुद्दे पे एक डिस्कशन कर सकें। और हम उसी पे तो करीबन 100 लोग आए थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था
कि भाई हमने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आ सके, हाँ। लेकिन आप इनको देशभक्त बना रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि आप कम से कम बच्चों को सिलेबस के अलावा भी कुछ और अच्छा बता रहे हैं, तो दोनों तरह के ही वो थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आगे की जल चौपाल में कुछ लोग जुड़ते चले गए, कुछ लोग हटते चले गए। तो इस तरह से ये पहले एक गांव में थी, जब दूसरे गांव में अच्छे लोगों को पता चला उन्होंने इनवाइट किया, फिर तीसरे गांव में, तो इस तरह से रेप्लिकेट होता चला गया। अच्छा। बिल्कुल। ये हमने जल चौपाल की बात की रामवीर जी, और जहाँ तक हमें पता है कि आपने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया जिसका नाम से अर्थ है, वो एनजीओ क्यों स्टार्ट किया गया एंड वो एनजीओ किस किस चीज के लिए काम करता है? बिल्कुल, देखिए जब मैं 2015 में मैंने जल चौपाल की शुरुआत की थी, तो 2015, 2016, 17, 18 ये तो वो टाइम था जब मैं या तो ट्यूशन पढ़ा के काम कर रहा था यही वाला, या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके 2016 से 18 तक मैं पार्ट टाइम ये चीज़ें करता था, गांव में जाके जल चौपाल लगाना या तालाबों पे जाके साफ सफाई अभियान चलाना। लेकिन 2018 में जब मुझे लगा कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं लिया जा सकता, हाँ, आपको बिल्कुल। एक तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पैशन भी फॉलो करना है और आपको कंफर्ट जोन में भी रहना है, exactly. है ना, आपको एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम इसमें आ गया। बाद में जब मैंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स अटेंड करना शुरू किए ताकि मैं सीख सकूं, क्योंकि अब तो जॉब भी नहीं थी और खुद को भी सस्टेनेबल बनाना था। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो तब पता चला कि ज़्यादातर लोगों ने एडवाइस किया कि आपके पास एक संस्था होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं और कोई भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या एक तरह से पीपल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी जब तक आप एक किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो फिर मैंने एक एनजीओ रजिस्टर कराई, एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया जिसका नाम है सेयर। तो हमारे मुख्यतः दो ही काम हैं, जो गांव के पुराने तालाब हैं, जल निकाय हैं, उनको, और पहले सुंदर थे लेकिन अभी वो कूड़ा घर जैसे दिखते हैं, तो उनको फिर से रिस्टोर करके उनका उस तरह से रिस्टोर करें कि वो उनका जो बेसिक पर्पस था बनाने का, हाँ। उसको वो फुलफिल कर सके। ओके। दूसरा, आज शहरों में आप देखेंगे तो लैंडफिल साइट्स बहुत सारी है, आप दिल्ली में भी देख सकती है आसपास के एरिया में, तो उन लैंडफिल साइट्स को एक तरह से फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, है ना, या फिर ऐसी बैरन लैंड्स को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि शहरों में अब मॉल है, सब कुछ है, कॉलेज है, ओपन जिम है, सब कुछ है, लेकिन शहर में जो एक चीज खत्म हो जाती है वो होता है जंगल। तो उस जंगल को वापस लाने का एक प्रयास था। तो अभी तक हमने ऐसी दो लैंडफिल साइट्स पे काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी लैंडफिल साइट्स है, और उनको कहीं ना कहीं आप दो अगले दो साल में देखेंगे अच्छा जंगल बन जाएगा। तो इसी दोनों कामों के लिए ये एनजीओ रजिस्टर कराई गई। तो इसी तरह की एक तालाब की कहानी, गाजियाबाद के नाइफाल तालाब की कहानी, जिसे आपने रिस्टोर किया, रिजुविनेट किया, उसकी कहानी हम दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक तरफ कुछ ऐसी तस्वीर जो हमें प्रकृति के प्रति इंसान की लापरवाही की कहानी बताती है, और वहीं दूसरी ओर इसी जगह की ये बदली हुई तस्वीर जो न सिर्फ एक उम्मीद जगाती है बल्कि पर्यावरण, समाज और देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है। इस बदलाव का श्रेय जाता है मैकेनिकल इंजीनियर रामवीर तंवर को। फ्यूचर में होने वाली पानी की किल्लत को भली भांति समझते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए 2018 में रामवीर तंवर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस कार्य में जुट गए। अपने चंद साथियों की मदद से अब तक कई तालाबों को इन्होंने साइंटिफिक तरीके से जिंदा किया। उनके इस कार्य की सराहना खुद प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के मंच से की। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। मिलिए पॉन्डमैन ऑफ इंडिया से। मेरा नाम रामवीर तंवर है, आप लोग मुझे पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं तालाबों के बारे में बात करता हूं, तालाबों के लिए काम करता हूं, यूं कहें कि तालाबों के लिए ही जीता हूं। जब मैंने ये 2019 में पहली बार मैंने तालाब देखा था, तो उस समय पे मुझ पर यहाँ खड़ा नहीं हुआ गया था बिना रुमाल के, क्योंकि पूरा कचरे से भरा हुआ था। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि किस तरह से हमारे तालाबों की स्थिति हो गई है, जो कि पहले एक तरह से हमारे लिए जल स्रोत थे, लेकिन अभी वो एक लैंडफिल साइट बन गई है, एक कूड़ा घर बन गया है।
पहला जब तालाब हमने किया था आज से 5 साल पहले, तो उस समय पे फिर हमने पहली बार दोनों तालाबों बिफोर का और आफ्टर का आपस में हमने दोनों का कलाज बनाया। हमने फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू गांव वालों के साथ और लोगों के साथ शेयर किया, तो लोग विश्वास नहीं कर पाए कि ये वही तालाब है कि दूसरा है। तालाबों को बार बार रिवाइव ना करना पड़े उसके लिए तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है। और सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब होता है कि तालाबों को जो मेंटेन करने का जो खर्चा है या रिसोर्सेज हैं वो तालाब से ही निकल सकें, अदरवाइज़ तो तालाब को फिर से 1-2 साल में उसी स्थिति में आ जाएगा और बार बार रिवाइव करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इतने कचरे को हम लेके कहाँ जाएं। दूसरा वाटर हाइसिन था और इसका गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो स्पेशल लेबर हमने हापुड़ से और दूसरे ज़िलों से, आसपास के दूसरे ज़िलों से मंगाई, जिनको गहरे पानी में या इस तरह के कचरे से डील करना आता था। बीच बीच में बारिश हो जाती थी तो फिर से पानी भर जाता था, वो सारे चैलेंजेस थे, लेकिन धीरे धीरे हमने सबको ओवरकम किया और पूरा रिस्टोरेशन इसका जाके 1 से 1.5 साल में जाके कम्प्लीट हुआ। ऐसा कोई फ्यूचर टारगेट नंबर्स को लेके तो पहले भी नहीं था कि इतने तालाब बनाने हैं, और जब शुरुआत करी थी तो ये भी नहीं पता था कि पहला तालाब भी हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है उसके बाद हमें समझ में आ गया कि ये अब नहीं रुकने वाला है। लेकिन जो मेन पर्पज़ ये है कि जैसे अभी एक पॉन्ड मैन है, तो हम हर शहर में, हर ज़िले में, हर राज्य में बहुत सारे पॉन्ड मैन को हम ट्रेन करके बनाएँ, ताकि वो अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो पॉन्ड्स खराब हो गए थे उनको वापस से सही कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी यही शब्द इस्तेमाल किया मेरे लिए, और एक तरह से उन्होंने पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी अपनी मन की बात के थ्रू, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से सारे मीडिया वाले और ये लोग फिर पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही मैं पूरे देश भर में जाना जाता हूँ अभी तो। यंगस्टर्स के लिए तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों को सच में रेस्पेक्ट देना है, उनके द्वारा छोड़ी हुई धरोहर को अगर सम्मान देना है, तो उन तालाबों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले आने वाली पीढ़ी भी हमारे बारे में गर्व से कहे कि वो हमारे लिए रिसोर्सेज छोड़ के गए हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद के इस नायफाल तालाब को की पूरी कायाकल्प आपने और आपके साथ आपके साथियों ने की। जानना चाहेंगे कि आज तक ऐसे कितने तालाबों पे आपने काम किया है, और ये जो पूरा रेस्टोरेशन का प्रोसेस है, ये इसमें कितना समय लगता है? हमने शुरुआत तो अपने गांव के आसपास से की थी, लेकिन अभी हम 6 राज्यों में काम कर रहे हैं भारत में, और 80 लगभग तालाबों को हम रिस्टोर कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे तालाबों को एज ए गाइड की तरह या एक्सपर्ट की तरह भी हम सरकार को और दूसरी संस्थाओं को मदद करते हैं। रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो तालाब पे डिपेंड करता है कि तालाब में समस्या है क्या, है ना। कि जैसे अगर हम अपने बारे में सोचें कि कोई भी डॉक्टर दवाई या जो मेडिकल प्रोसेस है वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि बीमारी क्या है। तो आज हमारे जो तालाब हैं उनमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है, अलग अलग कारण है जिनकी वजह से वो अपना बेसिक पर्पज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक पर्पज है या तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, या बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, और लोगों को पोर्टेबल वाटर देना है। अच्छा, हमारे तालाब यही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारे तालाबों में आप नीचे देखेंगे तो पूरी एक प्लास्टिक कचरे की लेयर बन गई है, तो पानी परकुलेट नहीं होता है। बहुत सारे तालाबों में ऊपर वीड आ गई है, वाटर हाइसिन जलकुंभी आ गई है, और बहुत सारे तालाबों में तो ये दोनों भी, और बहुत सारे तालाब ऐसे भी जिसमें कचरे से ढक गया है। कुछ तालाब ऐसे भी हैं जो सूखे पड़े हैं, अच्छे हैं, पत्थर लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोसेस शुरू किया जाता है, जैसे कचरा हटाना, वाटर हाइसिंथ वीड को निकालना, उसको खाद में कन्वर्ट करना, नीचे की पूरी लेयर को हटाना, और जहाँ जहाँ से संभवतः पानी आ सकता है उस पूरे कैचमेंट एरिया को सुधार कर पाइप के द्वारा उसमें पानी लाना, उसके चारों तरफ एक फेंसिंग करना, पेड़ लगाना, उसमें फिर से कुछ मछली कछुए छोड़ना दूसरे तालाबों की मदद से,
ताकि पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाए। यही एक प्रोसेस होता है किसी भी तालाब को रिस्टोर। रामवीर जी, आपको हाल ही में कई सम्मानों से भी नवाजा गया, कई अवार्ड्स आपको दिए गए, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में आपको पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया का एक तरह से खिताब दिया, आपके इस काम का जिक्र किया उन्होंने। जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जिक्र करने से पहले और प्रधानमंत्री जी के जिक्र करने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई अंतर आया है, काम थोड़ा सा सरल हो पाया है? बिल्कुल, बहुत अंतर आया है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर आया है। और क्योंकि देखिए, एक तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ा है जो कि एक सच बात है ना, क्योंकि एक तरह से कथित रूप से इस काम को कम पढ़े लिखे लोगों का काम समझा जाता है, है ना। और हम ठहरे इंजीनियर, तो हमारे लिए तो लोग मजाक उड़ाते थे कि एक इंजीनियर हो के तुम तालाब साफ करते हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि तालाबों की हालत नाली से अच्छी है नहीं ज्यादातर, है ना। तो एक तरह से नाली साफ करना उसको वो कहते हैं। लेकिन अब उनको महसूस होता है कि जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी खुद इस बात के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं, तो फिर हम कौन लोग हैं उसको अपमानित करने वाला। बिल्कुल, एक तालाब को साफ करने से पहले जो परमिशन चाहिए होती है उसको दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे। अच्छा। तो वो काम अभी 10 दिन में हो जाता है। क्या बात है। आपको स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो वो ये खिताब पाने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ अलग, कुछ नया, या एक कहते हैं ना, एक खिताब मिलता है तो जिम्मेदारियां भी उसके साथ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिम्मेदारियां तो आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बहुत सारे युवा हर साल शुरू करते हैं इस तरह के अच्छे काम करना अच्छी इंटेंशन के साथ, लेकिन सपोर्ट ना मिलने से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, वो संस्थाएं बंद कर देते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इस तरह के सम्मान से मैं उनको मोटिवेट करूँ कि आप लगे रहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दो साल में हार मान के बैठ जाएंगे, आप 2-4 साल 5 साल करिए, तब जाके आपको सम्मान मिलना शुरू होगा। तो मेरे साथ जो मेरे पीछे टीम जुड़ी हुई है, या इस तरह के लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका पैशन है लेकिन किसी डर के कारण या डिमोटिवेट होने के कारण नहीं आ रहे, तो उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाई देने लगता है। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप भविष्य में काम करना चाहें? पहला मोटिव तो अभी यही है कि मैं एक पॉन्ड मैन हूँ, और ये मुझे भी पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000 वाटर बॉडीज को रिस्टोर कर लूँगा, लेकिन भारत में कई लाखों करोड़ों वाटर बॉडीज हैं जिनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। अब मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाके, IITs में जाके, IIMs में जाके अपने जैसे और पॉन्ड मैन को बनाऊं, ताकि वो अपने जिले में, अपने शहर में, अपने गांव में काम शुरू कर सके। क्या जिन लोगों को आपने प्रशिक्षित किया, जो लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनकी अंदरूनी जो प्रकृति है उसमें भी बदलाव आपने देखे एक बार प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद? बिल्कुल, देखिए लोगों के बिहेवियर में पूरा चेंज आ जाता है, लोगों का जो वाटर बॉडीज के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचने का जो तरीका है उसके बारे में एक बदलाव आ जाता है। अभी हमें क्या है, वाटर बॉडीज पानी का गड्ढा दिखाई देते हैं, एक किसी भी गड्ढे के बारे में तो एक नेगेटिव सोच आती है दिमाग में, है ना। बहुत सारे इस तरह से वो है कि गई भैंस पानी में, है ना, या गड्ढा, तो उस तरह से आते हैं। बट ये गड्ढे कितने कामयाब हो सकते हैं या हमारे प्रकृति के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो सोच बदल जाती है। दूसरा, लैंडफिल साइट्स को या इस तरह का जो लोग सोचते हैं कि अब इम्पॉसिबल है ना, अब जो एक बार कूड़ा घर बन गया वो बन गया, अब उसको खत्म करके कुछ बारात घर बना देते हैं, कोई सड़क बना देते हैं, तो एक लोगों की सोच में बदलाव आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अब एक जो खत्म हो गया तो हो गया, फिर से भी रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सोच में बदलाव देखने को मिलता है। रामवीर जी, जो आप काम कर रहे हैं वो केवल भारत के लिए नहीं, मैं ये कहूंगी कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं होता, पूरे विश्व पर उसका इम्पैक्ट दिखता है। आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि लोग जुड़ते जाएं और ये कारवा बस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। थैंक यू, मतलब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्यों? नमस्कार, गुड
नेक्स्ट हमारा गेस्ट इंट्रोड्यूस प्रोफाइल एंड वो सफाई।